हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विमला मन्ने बात कर रही हूँ। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर विमला स्किन हेयर एंड लेजर सेंटर्स एट मेह डिपार्टमेंट गचीबोली। तो मैं आज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाह रही हूँ। ये PRP हेयर लॉस पेशेंट्स को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या पैटर्न हेयर लॉस जेंट्स में भी और लेडीज़ में भी ये ट्रीटमेंट करते हैं। ये इलाज अलग अलग जगह आजकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल के कौन सा भी लोग कर रहे हैं ये ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट खाली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके करवाना है, क्योंकि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो कम चार्ज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेशंस ले रहे हैं रिजल्ट्स दिखाने के लिए आपको और अच्छा फ़ायदा होने के लिए, क्योंकि उन्हों अलग तरीके से कर रहे हैं। जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो डबल स्पिन टेक्निक में करते हैं, तो प्लेटलेट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई रहता है, तो थोड़ा 3 ml या 6 ml भी इंजेक्ट करें तो भी कॉन्सेंट्रेशन प्लेटलेट्स का, डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स का ज़्यादा रहता है प्लेटलेट्स, क्योंकि ज़्यादा रहते हैं उसमें ये डबल स्पिन टेक्निक में। और ये टेक्निक से अगर करें तो ये इंजेक्शंस बहुत ही पेनफुल और दर्द देते हैं, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एनेस्थीशिया इंजेक्शंस देते हैं और एनेस्थीशिया नर्व ब्लॉक्स देते हैं। इसके वजह से आपको उतना दर्द नहीं महसूस होगा, बट फिर भी थोड़ा दर्द रहेगा बट ज़्यादा नहीं। बट दूसरे कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट जो एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं और डॉक्टर्स नहीं हैं, वैसे लोग सिंगल स्पिन टेक्निक में करते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स कॉन्सेंट्रेट किट्स में करते हैं, जो दर्द नहीं रहता है ज़्यादा, तो उसमें भी आपका खून निकाल के करते हैं, ग्रोथ फैक्टर सेपरेट करते हैं, बट प्लेटलेट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रहता है और दर्द कम रहता है, इसलिए कम प्राइस में ये करके ज़्यादा सेशंस आपको करवाने के लिए मजबूर करते हैं, तभी आपको रिजल्ट्स दिखता है। तो हमारे डॉक्टर विमला स्किन हेयर लेज़र सेंटर में डबल स्पिन टेक्निक करते हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता प्लेटलेट्स का, और आपके लिए दर्द नहीं होने के लिए एनेस्थीशिया इंजेक्शंस देते हैं और एनेस्थीशिया नर्व ब्लॉक्स देते हैं। तो महीने में एक सेशन भी करें तो भी 3 से 4 सेशंस के अंदर आपको फ़र्क दिखेगा और नया बाल आना शुरू होगा, वो जो नेक्स्ट 6 months तक बढ़ते रहेंगे। तो पक्का आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है PRP ट्रीटमेंट्स के लिए। जो करेक्ट ट्रू ट्राइकोलॉजिस्ट है वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही है।